हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हाउ आर यू? आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव है। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं एंड पूछते हैं कि मैम डिवाइन मस्कुलिन कौन होते हैं। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आपके पार्टनर्स डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज में हो सकते हैं। मस्कुलिन एक एनर्जी है जो कि फीमेल में भी हो सकती है एंड मेल में भी। अगर आपको नहीं पता आप किस कनेक्शन में हैं, तब भी अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है, तो ये रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज यूनिवर्स बताएं डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या हैं। कम्युनिटी, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज, हैप्पीनेस। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि डिवाइन मस्कुलिन, यस डिवाइन मस्कुलिन आपके पार्टनर्स इस टाइम आपके साथ एक नया जोन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड ये जोन है डेटिंग का, ये जोन है सेलिब्रेशन का, साथ में टाइम स्पेंड करने का, बहुत सारा इन्जॉय करने का एंड बहुत कुछ सेलिब्रेट करने का। डिवाइन मस्कुलिन, आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मस्कुलिन ना आपके साथ एंगेजमेंट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, कन्फेस करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने इनकी बहुत हीलिंग कराई है और डेफिनेटली ये पर्सन अब रेडी हो चुके हैं हील होकर इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेने के लिए। एंड ऐसा लग रहा है डिवाइन मस्कुलिन काफ़ी सारी चीज़ों से अवेयर और अवेकंड हो चुके हैं एंड फाइनली इस कनेक्शन के लिए एक सॉलिड और परमानेंट एक्शन लेना चाहते हैं। उनके बिहेवियर में ना अब आप सडन ऐसा चेंज देखोगे जो शायद अभी तक आपने कभी नहीं देखा और ना ही कभी सोचा है। अटैचमेंट, ऐसा लग रहा है डिवाइन मस्कुलिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। इवन अगर वो नेक्स्ट डोर में भी हैं तो भी उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप छाए हैं। एंड इस टाइम ओवरली अटैच्ड एंड कोडिपेंडेंट हैं ये, इनको आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो वाइब्रेशंस क्लियरली हैं। फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, डिवाइन मस्कुलिन का फ्रेंड्स थ्रोट चक्रा, यस थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन चल रहा है। मन में बहुत कुछ है कहने को, बोलने को। मेरी इससे प्रीवियस वीडियो थी फ्रेंड्स जिसमें मैंने आपके पर्सन के मैसेजेस, यस मैसेजेस ट्रांसफ़र किए थे, चैनल मैसेजेस ट्रांसफ़र किए थे। आप जाकर उसको भी चेक कर लें क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन का थ्रोट चक्र एक्टिवेशन है। तो डेफिनेटली उस वीडियो में भी आपको इनकी फीलिंग्स और मैसेजेस जानने को मिलेंगे। कोनू कॉपला, डिवाइन मस्कुलिन अपने लाइफ में बैलेंस चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं और ग्रोथ चाह रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये सब ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स 11, 39, 19, 28, 5 और 7 ये नंबर्स और ये डेट्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है डिवाइन मस्कुलिन ना दौड़कर आना चाहते हैं और आपको बस एक प्यारा सा टाइट सा हग करना चाहते हैं एंड आपको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। सोच बहुत कुछ रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी बना रहे हैं, बट स्टिल आपका आमना सामना करने की
हिम्मत नहीं हो पा रही। इन्हें लगता है कि कैसे आएं, क्या करें और क्या ना करें। 50 नंबर और 10 नंबर, 2 नंबर, 29 और 20 नंबर कई लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। लियो एनर्जी, कैंसर पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी, एरी साज एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एंड अक्वेरियस एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। और चेक कर लेते हैं डिटेल में इनकी फीलिंग्स। ओ माय गॉडनेस, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन तो आपके साथ परमानेंट रियूनियन और वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यही चाह रहे हैं। अब बिग रियूनियन, बिगेस्ट रियूनियन। आप में से बहुत सारे लोग ना अगस्त और सितंबर मंथ में बिगेस्ट परमानेंट रियूनियन में आने वाले हैं, या डिवाइन मस्कुलिन आपको वेडिंग का प्रपोजल सेंड करने वाले हैं। ये आपकी तरफ क्वाइट अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तीनों ही वे से ये आप पर टोटली इस टाइम स्टक हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आप में ये इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि इनका खुद के काम में, ठीक है, इनका खुद के काम में कोई भी मन नहीं लग रहा। एंड ये सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही इनसे नाराज़ हो एंड आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। रिलीज द नीड टू बी राइट। आपके लिए गाइडेंस आ रही है फ्रेंड्स कि आपको ना हमेशा सही बनने की और सही खुद को प्रूव करने की नीड नहीं है। अज्यूम नथिंग, कुछ भी अज्यूम ना करें जब तक प्रैक्टिकली आपको आंसर्स ना मिल जाएं या फिर आपकी पर्सनल रीडिंग ना हो, क्योंकि आसपास के लोगों से या कई चीज़ों को अज्यूम करने से हम बहुत सारी चीज़ें गलत भी कैच कर लेते हैं। आसपास के लोगों से बहुत सारे गलत मैसेजेस भी हम रिसीव कर लेते हैं। जब तक 1-to-1 आपकी कंसल्टेशन ना हो, जब तक प्रैक्टिकली आप आंसर्स रिसीव ना करें, तब तक आप अपनी एजम्पशंस पर एंड गॉसिपिंग पर बिलीव ना करें। Enjoy heaven on earth, honor yourself and love and respect yourself. ये तीनों ही कार्ड्स फ्रेंड्स आपके सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रोथ के हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, हेल्थ को देखो, वेल्थ को देखो, ब्यूटी को देखो, बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली एक ऐसी मैग्नेट बन जाओ जिससे कोई भी कभी भी दूर रह ही ना पाए। अब हम चेक कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में फाइनली होने क्या वाला है। फ्रेंड्स, आप लोग 1-to-1 कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करा सकते हैं, जिसकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जाएं, आराम से, तसल्ली से चेक करें, ईजिली व्हाट्सएप करें एंड अपनी रीडिंग को मेरे साथ बुक कराएं। शिप, ऐसा लग रहा है कोई इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ आ रहा है। आप या वो ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं। बुक, पुराना चैप्टर ख़त्म होकर एक नया चैप्टर, एक नए साइकिल में आप लोगों का रिश्ता एंटर कर रहा है। एंड ऐसा लग रहा है जहाँ आप बहुत टाइम से स्टक हो, फाइनली वहाँ से बाहर निकलने वाले हो एंड कुछ नया, कुछ बेटर अपने लिए, इस रिश्ते के लिए क्रिएट करने वाले हो। 26-3 नंबर्स इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अगर कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है। डिवाइन मस्कुलिन के मैसेजेस, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर, हाउ स्वीट। ड्रीम, यू आर माय ड्रीम दैट कम्स ट्रू। चॉइस, लव इज अ चॉइस, चॉइस एंड आई चूज यू। फेवरेट, आउट ऑफ एवरी वन ऑन दिस प्लानट यू आर माई फेवरेट। टिकल, वेन टिकल फाइव टर्न्स इन टू अ केस। एंड अडोरेबल, यू आर सच अ अडोरेबल पर्सन। तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर्स DM आपके साथ हर लेवल का रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, झगड़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो एंड वो आपको कितना मिस करते हैं।
एंड डेफिनेटली दे कांट लिव विदाउट यू. वो वाइब्रेशंस यहाँ पर क्लियरली आ रही हैं. तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मे गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.